ब्रॉट टू यू बाय माय 11 सर्कल प्ले विद चैंपियंस डाउनलोड द ऐप नाउ। इंदौर खाने पीने के लिए जितना मशहूर है वो अपनी स्पोर्टिंग लेगेसी के लिए भी उतना ही मशहूर है। भारत के पहले टेस्ट कप्तान यानी कर्नल सीके नायडू यहीं से आते हैं, उसके बाद भी हमेशा साल दर साल इंदौर से मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्रिकेटर्स आए। नरेंद्र हिरवानी यहाँ से आए, उसके बाद राजेश चौहान ने भारत के लिए खेला, आज भी वेंकटेश अय्यर हूँ, आवेश खान हूँ, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बट स्पोर्टिंग लेगेसी की जब हम बात करते हैं, आज भी अगर आप सुबह उठे तो आपको दिखेगा कि बच्चे ही नहीं 60-60, 70-70 साल के लोग आज भी सुबह उठते हैं। और होलकर स्टेडियम यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट मैच हुआ है तीसरा, उसके आसपास टेनिस क्लब है, बास्केटबॉल अरीना है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी दिखेंगे आपको, 60-60, 70-70 साल के लोग सुबह सुबह उठ के टेनिस खेलते हुए दिखेंगे। अच्छा, होलकर स्टेडियम को बने हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, उससे पहले जो क्रिकेट मैचेस होते थे, जो इंटरनेशनल मैचेस होते थे, वो होते थे नेहरू स्टेडियम में। मैं आज होलकर स्टेडियम से आ रहा था तो मैंने कहा जी ऑटो ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभार आपको चलते फिरते भी कहानियाँ मिल जाती हैं। मुझे एक कहानी मिली ऑटो में। ऑटो जो चला रहे थे उनका नाम है अशोक सूर्यवंशी। अशोक जी सामने आइए, मेरे साथ आइए। ये अशोक जी हैं, इनको जब ये बैठे इन्होंने मुझे होलकर स्टेडियम के बाहर से उठाया तो मुझसे ये क्रिकेट डिस्कस करने लग गए कि भारत कहाँ चूक गया, कैसे जीत सकता था, कहाँ हार। बट अशोक जी यहीं इंदौर के रहने वाले हैं, आपको थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ेगा। अशोक जी आप ऑटो कब से चला रहे हैं? मेरे को 27 साल। कितने? 27। 27 साल हो चुके हैं अशोक सूर्यवंशी जी को ऑटो चलाते हुए। अशोक जी उससे पहले क्या करते थे आप? मैं कंपनी में एक्सपोर्ट कंपनी में। अच्छा, और आपने तो खैर इंदौर को बनते हुए देखा होगा। देखा, काफी समय। अच्छा, मुझे ये बताइए होलकर स्टेडियम की क्या कहानी है, ये हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आपको तेज बोलना पड़ेगा। ये होलकर स्टेडियम का भी 15-16 साल से है यहाँ, और इसके पहले सारे मैच इंडिया के नेहरू स्टेडियम में होते थे। यहाँ पर सचिन ने 10,000 रन पूरे किए जी, और ऑस्ट्रेलिया को मैच जीता भी है भारत ने। यहाँ पर रविन कैप्टन थे जब, यहाँ पर इंडिया टीम के कैप्टन थे। अशोक सूर्यवंशी जी आपको याद दिला रहे हैं कि 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ आई थी, हिंदुस्तान आई थी, तो सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन वनडे में जब पूरे करे थे, जब पहले वो खिलाड़ी बने थे, उन्होंने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में पूरे किए थे। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, उन्होंने 100 बनाया था उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया को बड़े सस्ते में भारत ने ऑल आउट भी कर दिया था। पर ये नेहरू स्टेडियम के साथ क्या हुआ था, नेहरू स्टेडियम से आप होलकर स्टेडियम क्यों चले गए थे? भारत और श्रीलंका का मैच हुआ था 97 में, वो पिच खराब के कारण यहाँ के स्टेडियम के जो मेन वो हैं उन्होंने यहाँ पर इसको रद्द करवा दिया स्टेडियम को। उसके बाद में फिर ये इधर चले गए होलकर स्टेडियम में, मैच एग्जीबिशन मैच हुआ था उसके बाद, क्योंकि पहले ही ओवर में मेरे ख्याल से जाता मुझे याद आ रहा है इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ वो मैच हो रहा था, और शुरू में ही पता लग गया कि वो पिच खराब है, और उसके बाद वो मैच रद्द कर दिया गया और एक एग्जीबिशन मैच खेला गया था 25-25 ओवर का। उसके बाद की कहानी तो सुनिए। भारत हार गया था वो मैच, श्रीलंका जीत गया, उसके बाद से नेहरू स्टेडियम में मैच ही नहीं हुआ। उसके बाद में एक मैच हुआ था, मेरे एक मैच हुआ बाद में, वो भारत का ही हुआ था मैच, वहाँ पर भारत ने मैच जीता था नेहरू स्टेडियम। फिर उसके बाद से मैच वही मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2001 में, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 100 बनाया था और 10,000 रन भी पूरे करे। फिर उसके बाद की कहानी, उसके बाद में मैच कभी नहीं हुआ। किसने करवाया यहाँ पे सिर्फ? यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने करवाया मैच। ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके फादर? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने करवाया नेहरू स्टेडियम से होलकर स्टेडियम। ये बनना कब शुरू हुआ? ये बन के पहले से तैयार था, ये जब भी मैच नहीं मिलते थे इनको, ये चीज खराब होने के कारण फिर यही मैच होने लगा। अच्छा, मुझे अशोक जी आपने खुद क्रिकेट खेली है? खेली है ना। खेली है? किसके साथ खेलते थे आप? मैं ICI क्लब था। कौन सा? ICI। ICI क्लब था, वहाँ से खेलता था। अच्छा, जो आपका, क्योंकि आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी अभी 54। मैं, मेरे को एक्चुअली इंटरेस्टिंग इसलिए लगी इनकी कहानी, क्योंकि ये बता रहे थे जैसे ही हम वहाँ से निकले
तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ से नरेंद्र हिरवानी आते थे, इन्होंने नरेंद्र हिरवानी के साथ, इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने नरेंद्र हिरवानी के साथ भी क्रिकेट खेली है। अभय कुराकिया ये सब खेलते थे साथ में। अच्छा, अभय कुराकिया का भी वर्ल्ड कप में चयन हुआ था, दो मैच ही खिलाए थे, खेलने का मौका नहीं मिला। वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक होम सीरीज खेली थी मुझे याद है। हाँ। थोड़ा ओवर अग्रेसिव हाँ। हो जाते थे वो, अच्छे अटैकिंग बैट्समैन थे। हाँ, बढ़िया डिफेंडर बल्लेबाज जी। तो आपने नरेंद्र हिरवानी के साथ क्रिकेट खेली थी। हाँ। वाह, क्या तो आप क्या करते थे? मैं जब पढ़ाई करके खेलते थे। आप बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे? ऑलराउंडर था। आप ऑलराउंडर थे। तो नरेंद्र हिरवानी से कभी दोबारा मुलाकात हुई? नहीं, वो उसके बाद से जो उनका चयन हुआ ना, फिर वो बाहर ही बाहर रही है, फिर कभी आना होना। अच्छा, मिलना नहीं हुआ। चलिए, आई होप नरेंद्र हिरवानी अगर देख रहे हो आपको तो अशोक सूर्यवंशी जी हैं। हालांकि अशोक जी ने मुझे ये भी कहा कि इन्होंने एक अच्छी लेवल तक क्रिकेट खेली है। हालांकि मैं उसका टू बी वेरी ऑनेस्ट कन्फर्मेशन तो नहीं ला पाया, मैंने थोड़ा क्रॉस चेक वगैरह करने की कोशिश करी, मुझे पता नहीं लगा। और इनका कहना है कि 1990s में या 1990 में ही 90-91 के आसपास इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भी एक अच्छी खासी लेवल पर क्रिकेट खेली है। ये अशोक जी हैं और ये इनकी सवारी है, ये ऑटो, इन्होंने मुझे आज छोड़ा है ग्राउंड से, यही मेरे को लेकर आए हैं। अशोक जी, थैंक यू वेरी मच और शुक्रिया आपका, और आई होप आप और बेहतर करें और क्रिकेट का शौक कभी मत छूटिए। इतना बड़ा आपका सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है मेरा बेटा, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है। अच्छा, खिला रहा हूँ, पढ़ाई भी करता है, वेरी गुड। तो मैं आगे जाके उसको खिलाड़ी बनाने की कोशिश। जज्बे को भी सलाम है आपकी और इंदौर की, मध्य प्रदेश की उस स्पोर्टिंग लेगेसी को भी सलाम है जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा हूँ। फिलहाल इजाजत दीजिए, ऐसी और कहानियां लेकर आएंगे इंदौर से। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।